हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता रावस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा। इसे हम पिज्जा पफ डिजाइन कह सकते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल पिज्जा कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले पिज्जा डो की रिक्वायरमेंट रहती है और फिर हमें पिज्जा टॉपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम इसके लिए जान लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इसे बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम मैदा लिया है, एक ग्लास हमने वार्म वाटर लिया है, इसे हमने हल्का गर्म कर लिया है, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल लिया है, ये हमने 1/2 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट लिया है जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है बेकरी पर। हमने इसके लिए 1 टेबल स्पून शुगर लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें हमने सॉल्ट लिया है और ये हमने टॉपिंग के लिए लिया है, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च इसको हमने क्रश कर लिया है, ये हमने कुछ रेड चिली के फ्लेक्स लिए हैं, हमने कुछ इसमें स्वीट कॉर्न यूज किया है, ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, कुछ हमने मोजूला चीज लिया है, ये भी आपको बेकरी पे अवेलेबल हो जाता है, और पिज्जा टॉपिंग के लिए हमने लिया है पिज्जा सॉस, ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब हम डो रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक बीच में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, इसमें हम ईस्ट को डाल देंगे, शुगर डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, सॉल्ट हम थोड़ा ही यूज करेंगे ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करेंगे। इस प्रकार से हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे सॉफ्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। अब हमारे 1 घंटे हो गए हैं। इसे हमने वार्म प्लेस पे रखा था, गर्म जगह पर, ताकि ये अच्छा फुलकर रेडी हो जाए। अब हम इसे ओपन करेंगे। हमारा डो काफी अच्छा फूल गया है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम पिज्जा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने सरफेस पर थोड़ा सा मैदा रख लिया है, इसको हम अच्छे से एक दो बार मत लेंगे। इस प्रकार से हम इसे अच्छे से मथेंगे 5 से 7 मिनट तक। इस प्रकार से हमने डो को अच्छे से मथ लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। लगभग इतना हम लोई ले लेंगे इसकी, इसको अच्छे से कर लेंगे और इसे हम बेलेंगे। प्रकार से हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। हम पिज्जे को तवे पे बनाएंगे, इसलिए जो हमने इसकी रोटी बेली है वो हम इस तवे पे ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार से हमने इसे ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसी प्रकार से एक लोई और तोड़ेंगे और एक रोटी और बनाएंगे। इस प्रकार से हमने एक रोटी और बेल ली है। अब हम इसे पिज्जा सॉस लगाएंगे इस प्रकार से चारों तरफ। इस प्रकार से हमने इसमें पिज्जा सॉस लगा दिया है। इसमें थोड़ी थोड़ी हमें ये सरफेस छोड़ना पड़ती है। अब हम इसमें चीज डालेंगे। इस प्रकार से हमने इसमें चीज डाल दिया है।
अब हम इसके सेंटर में थोड़े से स्वीट कॉर्न डालेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने सेंटर में स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं। अब हम एक बॉल लेंगे, स्पेस तरह से रखेंगे बराबर, और एक नाइफ की सहायता से इसे चारों तरफ से कट लगा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने चारों तरफ कट लगा दिए हैं। अब हम बॉल को ऊपर ले लेंगे धीरे से। अब हमने जो एक रोटी और बना के रेडी की थी वो उस पे इस प्रकार से बराबर से बिछा देंगे इस प्रकार से, बराबर कर लेंगे। और इसे भी हम इसी प्रकार से काट लेंगे। इस प्रकार से हमने इसे बराबर काट लिया है। अब ये बॉल हम उठा लेंगे और इसे एक अच्छा सा डिजाइन देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम इसे एक शेप दे देंगे। इस प्रकार से सभी को कर लेंगे हम। इस प्रकार से हमने अपने पिज्जा को शेप दे दिया है, इसको एक नई डिजाइन दी है। अब इसके ऊपर हम ऊपर से बटर ग्रीस करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार हमने पिज्जा पे बटर को ग्रीस कर दिया है। अब हम इसे गैस की फ्लेम को लो करके इसे सिकने देंगे। हमने गैस की फ्लेम को इस प्रकार से लो किया है। अब हम अपने तवे को इस पे रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और 10 मिनट इसे पकने देंगे। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर ओपन करके देखेंगे। इस प्रकार से हमारा पिज्जा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार से हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बटर को ग्रीस कर दिया है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए हमने जो ब्लैक पेपर क्रश किया था वो डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसे सर्व करेंगे।